रिलायंस इंडस्ट्रीज की नींव रखने वाले, भारत को कारोबार की नई परिभाषा देने वाले धीरूभाई अंबानी की आज पुण्यतिथि है। धीरूभाई अंबानी ने जिस कंपनी की नींव रखी, आज वो रिलायंस देश की सबसे बड़ी कंपनियों में शामिल है। धीरूभाई अंबानी के पास न तो कारोबार का अनुभव था और न ही पूंजी थी, लेकिन फिर भी अपनी सोच और मेहनत के दम पर उन्होंने करोड़ों की कंपनी खड़ी कर दी। रिलायंस की सफलता के पीछे धीरूभाई अंबानी की सोच है, वरना 500 रुपए क्या कभी करोड़ों अरबों का कारोबार खड़ा हो सकता है। गुजरात के जूनागढ़ जिले के छोटे से गांव चोरवार में 28 दिसंबर 1932 को उनका जन्म पिता हीरालाल अंबानी और माता जमनाबेन के घर हुआ। पिता शिक्षक थे, पूरा परिवार दो कमरे के मकान में रहता था। परिवार की आर्थिक मदद कर लिए वो मेले में गांठिया बेचा करते थे। धीरूभाई अंबानी ने पिता के कहने पर नौकरी कर ली, अपने बड़े भाई के पास यमन चले गए, वहाँ पेट्रोल पंप पर नौकरी कर ली। उनकी पहली सैलरी 300 रुपये थी, लेकिन कुछ ही महीनों में पेट्रोल पंप के मालिक ने उन्हें मैनेजर बना दिया। धीरूभाई जहाँ जिस कंपनी में काम कर रहे थे, वहाँ की कैंटीन में 25 पैसे में चाय मिलती थी, लेकिन वो धीरूभाई अंबानी वहाँ की चाय पीने के बजाय पास के महंगे होटलों में चले जाते थे। वहाँ उन्हें एक कप चाय के लिए 1 रुपये चुकाना पड़ता था। जब उसने इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने बताया कि महंगे होटलों में बड़े कारोबारी उद्योगपति आते हैं, वो वहाँ बिजनेस के बारे में बातें करते हैं, उन्हें ही सुनने जाता हूँ ताकि मैं व्यापार की बारीकियों को समझ सकूं। ये बताता है कि धीरूभाई अंबानी के भीतर बिजनेस का कितना जुनून था। उनकी यही जुनून उन्हें सफल बनाता रहा। धीरूभाई अंबानी भारत लौट आए और 500 रुपये के साथ मुंबई का रुख किया। उन्होंने वहाँ अपने चचेरे भाई के साथ मिलकर रिलायंस की शुरुआत